नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हम इसराइल और हमास की जो जंग जारी है उसके बारे में फिर से बात कर रहे हैं। इतना तो आपको इल्म है ही के पिछले साल की 7 अक्टूबर को हमास के दहशतगर्दों ने आधी रात को अचानक से इसराइल के ऊपर हमला कर दिया, बेगुनाह लोगों का कत्लेआम किया। तकरीबन 1400 लोगों को एक ही रात में मौत के घाट उतार दिया और साथ साथ 350 लोगों को यरगमाली बनाकर अपने साथ ले गए, जिसके बाद इसराइल ने रद्देमल के तौर पर गजा के ऊपर एरियल बम्बार्डमेंट चालू की, और जिस जो के तकरीबन अभी 4 महीने 20 दिन होने, आज 27 तारीख है, 7 तारीख को अक्टूबर में शुरू हुई थी, 4 महीने 20 दिन हो चुके हैं। अब तक तो ऐसा लग रहा था कि ये जंग जाने कब ख़त्म होगी, क्योंकि इसराइल का सीधा सीधा ये कहना था कि जब तक, दो बातें, एक तो उसके जो इसराइली बेगुनाह लोग पकड़कर हमास वाले ले गए थे उनको आज़ाद किया जाए, यानी यरगमाली जो है आज़ाद होकर वापस इसराइल आ जाए। कहते हैं तकरीबन 130 या 40 अभी तक बाकी हैं, बीच कुछ और जो है इस बीच में दो तीन दिनों के लिए बीच में जंगबंदी की गई थी और उसमें जो है अदला बदली हुई थी, यानी एक इसराइली के बदले में 3 हमास के दहशतगर्द रिहा किए गए थे। खैर, वो एक अलग बात है। तो जब तक यरगमाली आज़ाद नहीं होते, और दूसरा इसराइल का ये कहना है कि वो अभी गजा को मिलिटराइज्ड होने नहीं देगा, यानी वो किसी भी तरह हमास का कोई रोल नहीं चाहता गजा में। तो अभी जो है ये 4.5 महीने होने को आए हैं, अभी उम्मीद बंधी है कि इसराइल की जो मतलब एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बर होने को आए हैं, क्योंकि अभी जो हमास का चीफ है इस्माइल हानिये, जो कि नॉर्मली कतर में रहता है, उधर उसका महल है दोहा में, ये लोग, ये दहशतगर्द जो है ना, ये जो उनके चीफ होते हैं वो खुद नहीं लड़ते, बेगुनाहों को लड़वाते हैं और खुद पूरी दुनिया से माल इकट्ठा करके और आयाशी की ज़िंदगी गुजारते हैं। खैर, वो भी एक अलग बात है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि इस्माइल हानिये भी अभी मिस्र में आया हुआ है, काहिरा में, और वो इसराइल के नुमाइंदों के साथ उसकी उसमें जो है मेडिएशन कर रहा है मिस्र, क्योंकि मिस्र को अपना ख़तरा है। हकीकत ये है कि गजा का जो जुनूब है, साउथ है, उसका एक टुकड़ा जो है वो सारा सेना से मिस्र से मिलता है और उसके नज़दीक पड़ता है एक शहर जो गजा का है, उसका नाम है रफा। और अभी बहुत सारे जो हमास के लोग थे वो आके रफा में इकट्ठे हो गए थे, तो अभी रफा के ऊपर हमले शुरू कर दिए हैं इसराइल के डिफेंस फोर्स IDF ने। और ख़ास तौर पर ये भी है कि उसके जो सुरंगें थी उसकी, हमास वालों की, पूरे गजा में फैली हुई मीलों तक, मीलों तक फैली हुई थी, उनको बर्बाद कर दिया है और या फिर उनमें पानी भर दिया गया है ताकि उसमें रहने वाला है कोई भी जिंदा न बचे। तो इसकी वजह से अभी पिछले कुछ दिनों से, 2-3 दिनों से जो हमास के दहशतगर्द हैं, वो धड़ाधड़ इसराइली डिफेंस फोर्सेस के आगे हथियार डाल रहे हैं, क्योंकि वो भी अभी समझ चुके हैं कि इस जंग का नतीजा उनके हक में नहीं होने वाला।
तो अभी उम्मीद बंधी। अच्छा, यही देखकर कि हमास वाले जंग हार रहे हैं, इस्माइल हानिया भी अभी मिस्र आ गया है और वो अभी बातचीत करना चाहता है। बीच में 2-3 दिन पहले मिस्र ने ऐसी गीडर भभकी दी थी कि अगर रफा के ऊपर इसराइल ने हमला किया तो वो चुप नहीं बैठेगा, जिसके जवाब में इसराइल ने तो खुलम खुला बोल दिया कि हमें हमारे मुफाद में जो बेहतर लगेगा हम करेंगे। अब ये भी मैंने आपको बताया था कि ये जो भी गजा के नज़दीक या इसराइल के नज़दीक जो भी मुसलमान ममालिक हैं, एक मुल्क भी एक भी फलस्तीनी लेने को तैयार नहीं है। और इसीलिए मैंने एक प्रोग्राम में बताया था कि ये जो गजा का साउथ है, जहाँ से सारा सेना लगता है, मिस्र की सरहद लगती है, तो मिस्र वालों ने वहाँ पर एक दीवार खड़ी करनी शुरू कर दी ताकि वहाँ से कोई भी फलस्तीनी भाग कर मिस्र के हदूद में ना आ जाए। ये अलग बात है, ये भी मैंने बताया था, यही सारा सेना 1967 में जो जंग हुई थी तो इसराइल ने मिस्र से छीन लिया था। ये अलग बात है कि उसके बाद में कैंप डेविड में जो एग्रीमेंट हुआ था अमेरिका में, और जिसमें इसराइल ने पीस अगेंस्ट लैंड लैंड फॉर पीस, इस उसूल के तहत जो है अमन का वायदा किया था मिस्र के साथ, और उसमें सारा सेना उसको वापस कर दिया था। उसी सारा सेना में मिस्र जो है एक भी फलस्तीनी लेने को तैयार नहीं है। तो खैर, मैं अर्ज कर रहा था कि मिस्र ने गीडर बबकी दी थी कि अगर रफा पे हमला हुआ तो वो चुप नहीं बैठेगा। अब रफा पे हमले शुरू कर दिए हैं इसराइल ने, और उसकी वजह से, और जो मैंने बताया कि जो सुरंगें हैं बनी हुई हमास वालों की तरफ से, उनमें या तो उनको उड़ा दिया गया है या बहुतों में पानी भर दिया गया है ताकि कोई भी हमास का दहशतगर्द उसमें जिंदा न रहे, और जिसकी वजह से वो लोग अनमास यानी धड़ाधड़ हमास के जो दहशतगर्द हैं वो इसराइली डिफेंस फोर्सेस के आगे हथियार डाल रहे हैं। अब ये देखकर मैंने बताया, इस्माइल हानिया खुद आ गया है मिस्र में और अमन की बात कर रहा है और जंग बंदी की बात कर रहा है और यरगमालियों को छोड़ने की भी बात कर रहा है। अच्छा, उधर अमेरिका ये इस प्लान पे अमल कर रहा है कि हमास के ख़त्म हो जाने के बाद गजा में कैसी हुकूमत रहेगी। तो उनके ख्याल में यही जो वेस्ट बैंक में अभी जो है वो PLO पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो के यासिर अराफात की हुआ करती थी, उनकी हुकूमत है और उनकी तरफ से वहाँ पर सदर महमूद अब्बास है और वजीर आजम जो है उसका अभी उधर है मोहम्मद शताये वो है। तो अभी पोस्ट हमास डिफीट जो है गजा में कैसी हुकूमत बनाई जाए, इसके लिए पहले उसका जो कदम है पहले स्टेप के तौर पर मोहम्मद शताये से इस्तीफा दिलाया गया है, और अभी महमूद अब्बास जो सदर हैं वहाँ के वो एक नया जो है वजीर आजम नामजद कर रहे हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा, जो कि वर्ल्ड बैंक में काम कर चुका है पहले। तो मतलब मैं ये अर्ज कर रहा था कि अभी उम्मीद बंधी है कि हफ्ते दो में ये जंग ख़त्म हो जाएगी और फिर जो है जैसा अमेरिका चाहता है, भले ही इसराइल इसको सपोर्ट नहीं करता लेकिन उसको भी मानना पड़ेगा क्योंकि किसी न किसी तरह कोई न कोई हुकूमत तो उनको देनी ही पड़ेगी, और जाहिर है इसराइल तो हुकूमत करेगा नहीं वहाँ पर। तो इसीलिए ये वेस्ट बैंक की जो PLO है उसी के हवाले किए जाएगा ये गजा का इलाका भी, और इसीलिए ये जो उसकी हुकूमत में चेंजेस लाई जा रही हैं। अच्छा, इसके साथ साथ इसराइल का जो वजीर दिफा डिफेंस मिनिस्टर है उसने इस बात का भी खुलासा कर दिया है कि भले ही
हमास वाले हथियार डाल दें, जंग ख़त्म हो जाए हमास की, लेकिन हम हिजबुल्ला को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हिजबुल्ला वाले साउथ लबनान से अभी भी इसराइल के ऊपर मिज़ाइल और रॉकेटों से हमला कर रहे हैं। इसीलिए उनको ख़त्म करने के लिए इसराइल अपनी मुहिम जारी रखे हुए और बहुत डीप जाके लबनान में जहाँ जहाँ पर हिजबुल्ला के ठिकाने हैं उनके ऊपर वो हमले कर रहा है। तो मतलब ये मैं अर्ज कर रहा था कि इसराइल का कहना ये है कि हिजबुल्ला को भी हम इंशाल्लाह ख़त्म करके रहेंगे और हमास की जो जंग है उसके पूरे होने के आसार दिखाई दे रहे हैं और हमें उम्मीद है कि एक दो हफ्तों में ये जंग ख़त्म हो जाएगी। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।